कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो खबरों के आधार पर एक्शन में रहेंगे वो अब जान लेते हैं। रुक कर लेते हैं स्टॉक्स टू वॉच का। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए कौन सा शेयर है आज के लिए। गुड मॉर्निंग, शुरुआत पहले अच्छे नंबर्स के साथ करते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस के नंबर्स आए हैं जहां पर कि जो टॉप लाइन है वहां पर 49% की बढ़त और मुनाफे में करीब 60% की बढ़त देखने को मिली है। कंपनी को टैक्स राइट बैक से भी फायदा मिला है, लेकिन साथ ही साथ मैनेजमेंट का कहना है कि कोल ट्रेडिंग कारोबार से भी अच्छा सपोर्ट इस तिमाही देखने को मिला है, जिसका कि हम देख रहे हैं कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इस बार टॉप लाइन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, जिसके चलते अच्छी खासी बढ़त कंपनी के टॉप लाइन फ्रंट पर देखने को मिली है साल दर साल। एपटेक इसके भी नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद और यहां पर भी अच्छे नतीजे आए हैं। मुनाफे की बात करें तो 94% की बढ़त हुई है, अदर इनकम से एक सपोर्ट मिला है और इसके बाद अलावा रेवेन्यू की बात करें तो वहां पर करीब 28% की बढ़त कंपनी के रेवेन्यू फ्रंट पर देखने को मिली है। तो साल दर साल यहां पर भी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, यहां पर कमजोर नंबर्स देखने को मिले हैं। कंपनी का घाटा बढ़ चुका है, 1 करोड़ के सामने इस बार जो घाटा पोस्ट किया कंपनी ने वो 2 करोड़ के आसपास का किया है। रॉ मटेरियल कॉस्ट इस बार कंपनी काफी ज्यादा बढ़े हैं, जिसके चलते इस बार मुनाफे के फ्रंट पर दबाव देखने को मिला है। नतीजों से हटकर कुछ और काउंटर्स पर नजर डालें तो आज 2 फार्मा स्टॉक्स क्लैरिस लाइफ साइंसेज और फोर्टिस हेल्थ केयर ये फोकस में रहेंगे। आरबीआई ने जो अतिरिक्त विदेशी निवेश पर अब रोक लगा दी, क्योंकि दोनों ही कंपनियों की जो एफआईआई और एफपीआई लिमिट है वो 24% के पार हो चुकी है, तो अब यहां पर विदेशी निवेशक अब और ज्यादा निवेश नहीं कर सकेंगे और इस खबर के चलते ये 2 स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। और आखिर में बात करते हैं कल्पतरु पावर की। कल बोर्ड की बैठक हुई थी और उसमें फैसला लिया गया है कि एनसीडी के जरिए 100 करोड़ रुपए जुटाने को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, जिसके चलते ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। शुक्रिया पूजा आपका। तो ये खबरों वाले शेयर्स पूजा ने बताया है, कल्पतरु पावर पर आप नजर रखकर चलिए, क्लैरिस लाइफ साइंस पर रखें। अर्निंग्स का इंपैक्ट जहां पर आ सकता है उसमें अदानी एंटरप्राइजेस पर आप ध्यान दे सकते हैं। साथ ही एपटेक के नंबर्स भी बाजार बंद होने के बाद आए, डिसेंट सेट ऑफ अर्निंग्स कंपनी ने पोस्ट किए। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज नंबर्स यहां पर खराब रहे हैं, कॉशियस आप रह सकते हैं। 2 और अर्निंग्स में ऐड कर देती हूँ, एक तो जैन इरीगेशन, इस पर आप ध्यान दें, नंबर स्टेडी आए हैं, रेवेन्यू 10% बढ़ा है, एबिटा 9% बढ़ा है, मार्जिन स्टेबल रहे हैं। हालांकि लो फाइनेंस कॉस्ट की वजह से और डिप्रिसिएशन की वजह से जो पैट है वो सिर्फ 24% बढ़ा है, लेकिन कल ये बाजार बंद होने से ठीक पहले एक स्पर्ट लेकर क्लोज हुआ था। और इस सीरीज के ही अगर पिछले कुछ सेशंस के बिहेवियर आप देखेंगे 10-15 सेशंस का, तो ये स्टॉक कांस्टेंट करेक्ट हुआ है, तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग दिखे भी स्टॉक में, तो ध्यान दे सकते हैं। एक आप गुजरात गैस पर ध्यान दें, नंबर्स काफ़ी खराब आए हैं, ये कमजोर हो सकता है आज के सेशन में। एबिटा 35% घटा है, मुनाफा 54% गिरा है और मार्जिन भी 16.5% से गिरकर सीधे 10% पर आ गए, तो कमजोर नंबर आए हैं गुजरात गैस के। तो इन सभी शेयरों पर आपको नजर रखनी है, लेकिन आज कई क्रूशल अर्निंग्स भी आने, जिसमें IOC है, बॉश है, अशोक लेलैंड है, सिप्ला है। अंचल हमारे साथ मौजूद है, 2 अर्निंग्स पर से बात कर लेते हैं, एक तो बॉश और दूसरा IOC, दोनों के नंबर्स कैसे रह सकते हैं बताइए अंचल, क्या प्रोजेक्शंस हैं? शुक्रिया दीपाली। अगर सबसे पहले IOC की बात करें, इस बारी बिक्री जो है वो करीब करीब कंपनी की 7% बढ़ती हुई दिखेगी। एबिटा फ्रंट पे भी 10-10% तक की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। क्रिटिकल रहेगा GRMs इस बारी कहाँ रहेंगे, अनुमान ये है कि $7.7 पर बैरल से घटकर 5.5 से 6 की रेंज में GRMs इस बारी कंपनी पोस्ट करती हुई दिख सकती है। रिफाइनिंग वॉल्यूम की जहाँ तक बात है, वहाँ पे एक हल्की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है, 16.4 मेट्रिक टन से बढ़कर 16.6 मेट्रिक टन के रिफाइनिंग वॉल्यूम्स कंपनी पोस्ट कर सकती है। एबिटा मार्जिन की अगर बात करें, 8.53% से घटकर 7.18% रहने का अनुमान है। जिस तरह से GRMs गिर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट एबिटा मार्जिन पे भी आता हुआ दिखेगा। मुनाफे की जहाँ तक बात रही, ऑलमोस्ट 9 से 10% तक की बढ़त कंपनी के मुनाफे में आ सकती है। 3,611 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है। उसका सबसे बड़ा कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि इस बारी 960 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले कंपनी को जो 350 करोड़ का इन्वेंट्री घाटा है वो कहीं ना कहीं नंबर्स पे क्रिटिकल रहेगा। अगर ये आंकड़ा और ज़्यादा एस्केलेट होकर आता है तो ओवरऑल नंबर्स पे प्रेशर डाल सकता है। बॉश की जहाँ तक बात रही, एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। कंपनी के रेवेन्यूज पर हालांकि थोड़ा दबाव रह सकता है, 0.5% गिरने का अनुमान है और उसका सिर्फ एक ही सबसे बड़ा कारण है, वो है BS4 के इम्प्लीमेंटेशन। ऑलरेडी कंपनी ने एक अच्छी पाइपलाइन जरूर बना रखी थी, लेकिन एकाएक इम्प्लीमेंट होने की वजह से थोड़ा प्रेशर कंपनी के ऊपर आता हुआ दिखेगा BS4 इम्प्लीमेंटेशन का। वहीं एबिटा की अगर आप बात करें, 4% एबिटा कंपनी का गिर सकता है। एक तरफ कंपनी को फायदा हो रहा है जो अदर एक्सपेंसेस, जिसमें आपका एम्प्लॉय जो सैलरीज हैं वो कम हो रही हैं, अदर मिसलेनियस एक्सपेंस घट रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर क्योंकि मेटल कीमतें बढ़ी हैं तो उसकी वजह से रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़ा एस्केलेट हो रहा है और वही कहीं ना कहीं एबिटा मार्जिन्स पे प्रेशर डाल रहा है। एबिटा मार्जिन्स की बात करें, 21.5% से घट के 21.2% रहने का अनुमान है, लेकिन बॉटम लाइन 9% बढ़ सकती है कंपनी का मुनाफा। और सबसे बड़ा कारण है अदर इनकम करीब 20% बढ़ने का अनुमान है।
बॉस के केस में रॉयल्टी पे नजर रखिएगा, वो काफी क्रिटिकल आंकड़ा होगा। ठीक है, बॉस के केस में जो रॉयल्टी फिगर आएगी वो इम्पोर्टेंट रहेगी। हालांकि बॉश, आईओसी, सिप्ला और साथ ही साथ अशोक लेलैंड, इन सभी स्टॉक्स पर आज के सेशन में आपको ध्यान देना है। आईओसी पर तो इसलिए भी आप ध्यान दीजिए, आईओसी नहीं, आईओसी हो, बीपीसीएल हो, ओएनजीसी हो, जो भी क्रूड सेंसिटिव स्टॉक्स हो, उन पर इसलिए भी ध्यान दे सकते हैं क्योंकि जो ओपेक की बैठक है वहां से क्या की आउटकम निकल कर आएंगे वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि ओपेक जो आउटपुट कट किया था लास्ट मीट में, उसकी टाइमलाइन करीब करीब 9 से 10 महीने बढ़ा सकता है। तो ये पूरा ही ऑयल मार्केटिंग स्पेस या फिर जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं वो वैसे भी फोकस में रहेंगी। आईओसी हालांकि एक डिसेंट परफॉर्मर रहा है और पिछले 3 सालों में स्पेशली अर्निंग ग्रोथ के लिहाज से देखें तो डिसेंट परफॉर्मेंस इस कंपनी की रही है।